हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ट्वीन प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये आपकी ट्वीन प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है और ये जो अंतिम ट्राइमेस्टर होता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस समय आपका जो बेबी बम्प होगा वो बहुत ही ज्यादा हो चुका होगा और आपकी जो एनर्जी होगी वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिस वजह से आपको लगभग हर काम करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होने वाली है। और ये जो मंथ है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भरा होने वाला है और आपको इस समय उठने, बैठने, लेटने, खाने, पीने, यहाँ तक कि आपको वॉशरूम जाने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होगा, आप जब करवट लेंगी, आप जब लेटने जाएंगी तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी और आपको घुटनों में दर्द एंड आपको कमर दर्द, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द, यह आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा, जो कि ट्विन प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। इस समय आपको जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो भी बहुत ही अलग तरीके से होंगे, कभी कभी तो आप ऐसे घबरा जाएंगी कि आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके लेबर पेन तो स्टार्ट नहीं हो गए हैं। और आपको इस मंथ से गैस, अपच, कब्ज एंड कुछ भी खाने का मन ना करना एंड आपका पेट भरा भरा रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इस मंथ आपकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको सोने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, यहाँ तक कि आपको नींद भी नहीं आएगी एंड आपका एक एक दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कटने वाला है। और जैसे जैसे आपके वीक्स बीतते जा रहे हैं, आप जो है अपनी डिलीवरी ड्यू डेट के पास आती जा रही हैं एंड आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और इस समय आपके ट्विंस बेबी में एक बेबी आपके पेल्विस में नीचे जाना शुरू कर देगा, जिस वजह से आपको पेट के ऊपर की साइड हल्का हल्का सा खालीपन महसूस होगा एंड आपको अगर अभी तक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। आपकी ट्विन प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके बेबी बड़े होंगे वैसे वैसे आपका भी वजन बढ़ता जाएगा। इस टाइम के दौरान आपको कोई भी काम करने में, यहाँ तक कि जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएंगी, तो आपको अपने परिवार वालों की मदद की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको जरूर लेनी है। और इस मंथ में आपको लेबर पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में फर्क जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप बहुत ही आसानी से पहचान सकें। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका एकदम से दर्द उठना एंड पेट थोड़ी देर के लिए टाइट हो सकता है एंड उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाना। एंड इसके अलावा जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और आप अपनी पोजीशन चेंज करती हैं तो आपका जो है दर्द चला जाता है। आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको एक घंटे में एक बार या फिर दो बार या फिर तीन बार भी आ सकते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला दर्द होता है वो कभी भी लगातार नहीं रहता है और ना ही बढ़ता है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से लक्षण देखने पर डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। आपको अगर बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, आपका जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है और आपके दर्द बहुत ही लंबे समय तक हो रहे हैं एंड आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, और यदि आपको जो दर्द है वो अक्सर हो रहा है, यानी कि हर 10 मिनट बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, एंड इसके अलावा फ्लू जैसे लक्षण, यानी कि आपको मतली एंड उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, और आपका जो डिस्चार्ज है वो गुलाबी रंग का पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपको वजाइना से हल्की ब्लीडिंग या फिर आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और आपके जो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा हो, और आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही हो, एंड इसके अलावा आपको डायरिया के साथ पीरियड जैसी ऐठन हो रही हो, इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे वो संकेत होते हैं जिनसे कि पता चलता है कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपके जो ट्विन प्रेगनेंसी में चेकअप होते हैं वो सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में ज्यादा ही होते हैं, जो कि आपको जरूर कराने हैं। हो सकता है कि आपको हर हफ्ते या फिर सप्ताह में एक या दो बार डॉक्टर के पास जाना पड़े, एंड आपके जो डॉक्टर होंगे वो इस मंथ आपके बॉडी का भी चेकअप करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो लेबर पेन एंड डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको इस मंथ कौन कौन से चेकअप जरूर कराने हैं। इस मंथ में आपको अपना ब्लड टेस्ट एंड आपको अपना यूरिन चेकअप एंड आपको अपना वेट और आपको अपना ब्लड प्रेशर,
इसके अलावा आपको अपना अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका लास्ट टाइम पे आपका ब्लड कितना है एंड आपकी वजाइना में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है ताकि आपकी डिलीवरी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं आपके बेबी के बारे में। इस टाइम जो आपके बच्चे होते हैं वो बसा की परतों का निर्माण करते हैं और अपना वजन लगातार बढ़ा रहे हैं। आपके बेबी के 34 वीक तक फेफड़े पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके लेवर पेन टाइम से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ स्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं और ये जो स्टेरॉइड होते हैं वो आपके बेबी को बाहर आने के बाद सांस लेने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। जो आपके ट्विंस बेबी होते हैं वो अपने आप को जन्म देने के लिए तैयार कर रहे होते हैं और इस मंथ जो ज्यादातर बाल होते हैं जो आपके बेबी को ढके रहते हैं वो भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बेबी के शरीर के चारों ओर सफेद मोम जैसा पदार्थ होता है वो भी चला जाता है एंड आपके बेबी अभी भी एमनियोटिक द्रव को निगलना जारी रखेंगे, लेकिन यह बहुत जल्द ही उनके शरीर से पहले मल के रूप में बाहर आ जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।